आज का ये जो प्रॉब्लम है, आपको जो टेस्ट में जो लेवल आएगा, जो टाइप के ट्रांजैक्शन आएंगे, ओके, वो ही हम लोग करने वाले हैं 34th वन में. सो ड्रॉ द जर्नल फॉर सम नंबर 34, 34th सम इन द बुक्स ऑफ चिटमनी एंड कंपनी, द बुक्स ऑफ चिटमनी एंड कंपनी. अच्छा, क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग क्या लिखना है आपको हमेशा याद रखना है. अगर बिजनेस का नाम है तो बिजनेस का नाम, इफ देर इज नो बिजनेस नेम देन यू राइट ओनर्स नेम. ओके, बिजनेस का नाम दिया तो मेंशन बिजनेस नेम, या बिजनेस का नाम मिसिंग है तो फिर ओनर का नाम आ जाएगा. ठीक है, सो इट विल बी इन द बुक्स ऑफ चितमनी एंड कंपनी. जर्नल एंट्रीज या फिर इन द जर्नल ऑफ चितमनी एंड कंपनी. The Journal of Chitmani and Company. कल इवनिंग टेस्ट है 6:45 to 7:45. ओके, टुमारो इवनिंग द टेस्ट इज फ्रॉम 6:45 to 7:45, 1 आवर. प्रिपेयर प्रॉपरली. पोर्शन जो अभी ट्यूसडे हमने जो किया था क्लास में, ओपनिंग एंट्री नहीं है आपको पोर्शन में. और कितने बजे ज्वाइन कर रहा है? वो मैं बोलता हूँ अभी सब आपको. 6:30 तक लॉग इन कर लेना है आपको. ओके, 5 मिनट्स विल डिस्कस वॉट एवर डाउट्स क्वेरीज यू हैव, इफ एट ऑल एनी. एंड बस 5 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे, 6:40 6:45 तक शार्प स्टार्ट. सर, एक जर्नल में कितने ट्रांजेक्शन रहेंगे? 10 to 12 ट्रांजेक्शन, 15 मार्क्स का, मतलब समझो ना, 12 12 24 मैक्स साइड पर पकड़ के चलो, 24 ट्रांजेक्शन इन 1 आवर. जहां जहां कैलकुलेशंस हैं आप जर्नल के बीच में दिखा सकते हो यहाँ पर, लेकिन एज आई टोल्ड यू सम कॉलेजेस दे अलाउ सम दे डोंट. तो आप अगर पीछे दिखाओगे तो बेटर रहेगा, जर्नल के बाद कैलकुलेशंस दिखा दोगे तो चलेगा, कैलकुलेशन दिखाओगे तो बेटर ही है. सब कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, जहां पे टीडी सीडी है या जहाँ पे जीएसटी है, वो थोड़े बड़े कैलकुलेशन है, वही दिखाने हैं, दैट्स इट. ओके, नहीं तो दिखा नहीं सर, वो चलेगा. अगर पीछे करते तो भी उसका पिक भेजना है, वो पिक स्कैन भेजना है, यस, पिक भेजना है, कैलकुलेशन का पिक पर नहीं भेजना. दिखा चलेगा सर? ओरली मत करना, हैबिट रिटन की डालना. ओरली क्या है, सिली मिस्टेक होने का चांस है. सो आई एडवाइज के लिख के ही करना, और उसका पिक भी भेजना मेरे को कैलकुलेशन का, जैसे किया है आपने. ठीक है, और लिख के करोगे तो वैसे भी बेटर है, आपको एग्जाम में भी काम आएगा, कॉपी केस वगैरह का इश्यू नहीं होता है. तो कभी भी वर्किंग नोट कैलकुलेशन रहेंगे सपोर्टिंग द आंसर, इट इज ऑलवेज सेफ फॉर यू. ओके, इन द बुक्स. टोटल कंपलसरी नहीं है ना, टोटल नहीं टोटल करना? कंपलसरी नहीं है, एंड में इफ यू हैव टाइम देन ओनली यू टोटल. ठीक है, टोटल इज नॉट कंपलसरी, टोटल इज नॉट कंपलसरी. Now, let's begin sum number 34. Record the following transaction in the books of Chitmani and Company in the month of April 2010. Balance as on 1st April 2010. ये देख के कुछ चमका, कुछ बत्ती. ओपनिंग एंट्री ओपनिंग एंट्री याद है, हमने डिस्कस की थी इन द लास्ट लेक्चर. कब करते हैं ये ओपनिंग एंट्री? डू वी डू इट एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी ईयर, वंस, एवरी स्टार्ट ऑफ द ईयर? एवरी ईयर का स्टार्ट में करते हैं. ठीक है, एवरी ईयर के बिगनिंग में करते हैं. अच्छा, ओपनिंग एंट्री इज मेनली फॉर व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट? इज इट फॉर एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंस, एवरीथिंग?
only assets and liabilities. Will you ever have any opening entry for incomes and expenses? No, sir. No. Never. 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 You will never have any opening entry for incomes or expenses, because incomes and expenses, they have a shelf life of just 1 year. So they have already been converted into profit loss, have been transferred to the capital account. So they are no more in existence now. New year, new expense, new year, new income accounts again. Okay. So opening entry is mainly for assets and liability. What does that indicate? Is this the first year of the business or a continuing year of the business? Continuing year means continuing. It indicates that at the end of the previous year, when we closed our books, we had these many assets and liabilities. So just for the theoretical purpose, humne close kar diya books ko, closing entry pass ki, aur next day pe wapas open karke dikha rahe hain. Will it have any effect on the practical business in any way? Will it have any effect in the practical business? No. Practically, the business is going on as usual, no change. Theoretically, we just closed down the assets liabilities on the last date of the previous year, and we are opening them on the first date of the next year. Is that part clear? Okay. So let's begin on 1st April 2010. 1st April 2010, starting with cash in hand account debit. See, all the assets and liabilities, if you want, you can list them down very first. A-L-A-L-A-L, you can write. Cash in hand, kya hota hai? Cash in hand is? Cash. Asset. What about cash at bank? Asset. What about furniture? Asset. Laptop and printer? Asset. Debtors? We debtors mein dekho, aapko dono diya hua hai naam, Chetan and Dilip. You have to write Chetan account, Dilip account. You can write either ways. You can write sundry debtors and you can club both, or you can use Chetan and Dilip also, individually also. Okay? Tab club karke bhi dikhaoge debtors mein, to bhi chalega. Opening entries mein, it is fine. Debtors and creditors ke group accounts likh sakte hain aap direct. Sir, wo stock debtor nahi hai na, wo asset aayega. स्टॉक अलग है ना, स्टॉक डेटर नहीं है, स्टॉक तो एसेट है. स्टॉक मतलब बचा हुआ, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर के एंड में बच गया, इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक. ओके, सो डेटर्स आर एसेट, स्टॉक इज एसेट, क्रेडिटर्स क्या होंगे? लायबिलिटी. क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स के नाम दिए हुए आपको वापस, गौरी एंड हेमा. तो गौरी एंड हेमा दे आर योर लायबिलिटीज. बैंक लोन अगेन लायबिलिटी. Again, liability. So you have the list of assets and liabilities ready. Okay, let's begin the opening entry. It will be cash in hand account debit. Cash in hand and cash at bank can't be combined to just No. Cash in hand matlab Gandhi. That is cash account. And cash at bank matlab bank mein jo paisa pada hua hai. Bank is a separate asset, right? Cash is a separate asset. Bank is a separate asset. Sir, both of these can be written as cash and bank. Yes, yes. Cash account debit and bank account debit. You can use the names of cash and bank. Matlab cash ke liye cash, bank ke liye bank. Yes. So, cash account and bank account we use kar sakte hain. Cash at bank we use kar sakte hain. Cash in hand account debit, cash at bank account debit. 3 lakh of rupees. Furniture account debit 1 lakh. Furniture account debit 1 lakh. Laptop and printer account debit 90,000. मतलब हम लोग ऐसे बता रहे हैं थियोरी में कि इतने सब एसेट अपने को मिल रहे हैं अभी. वापस आ रहे हैं बिजनेस में. ऑल दीज एसेट्स आर कमिंग इन. एसेट्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. ओके, डेबिट्स आर इंक्रीजिंग, एसेट बढ़ रहा है बिजनेस में. देन वी हैव डेटर्स. आइदर यू राइट डेटर्स और यू कैन राइट द इंडिविजुअल नेम्स आल्सो, चेतन एंड दिलीप. ओके, दिस अगेन यू हैव टू जस्ट कंफर्म इन कॉलेज. सम कॉलेज दे अलाउ फॉर डेटर्स, सम कॉलेज दे यूज द इंडिविजुअल नेम्स. एनएमबीटी बाय पोदा दे मेनली गो फॉर डेटर्स, कंबाइंड अकाउंट्स. ओके, सन्ड्री डेटर्स में. हाँ, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स दोनों चलेगा. डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स, बोथ आर फाइन. 7,000 and 9,000, दैट इज द 16,000. अगर मैं दोनों लिख रहा हूँ, राइटिंग 16,000 टुगेदर, देन इट इज स्टॉक अकाउंट डेबिट, दैट इज 25,000.
टू क्रेडिटर्स अकाउंट, इसमें इंडिविजुअल नाम बोल रहे हैं, लास्ट ईयर तक तो एनएमईटी बाय पोदार यूज्ड टू फॉलो डेटर क्रेडिटर, अगर इंडिविजुअल नाम बोल रहे हैं तो इंडिविजुअल नाम लिख देना, गौरी एंड हेमा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट दैट इज 6 and 8 14,000, मैं कंबाइन लिख रहा हूँ, आई एम क्रेडिटिंग इट टुगेदर, देन बैंक लोन, सो टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट दैट्स अनदर लाइबिलिटी 30,000, बस दैट्स इट, क्या और भी कुछ है इसमें? कैपिटल, ये हाँ कैपिटल आएगा, ये कभी बैलेंस नहीं होगा, दिख रहा है? नहीं तो ये टोटल सेम होना चाहिए ना आपका, अगर आप कैपिटल नहीं लिखोगे तो इधर ये टैली नहीं होगा आपका एंट्री, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा ही नहीं, तो कैपिटल अकाउंट कैसे ढूंढना है? हाउ विल यू कैलकुलेट द कैपिटल? इट विल बी डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट, तो कितना होता है? 5,08,000, प्लीज चेक, 5,08,000 प्लीज चेक, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, खुद से करना है, मैन्युअली करना है, ठीक है? डोंट यूज कैलसी, डोंट यूज मोबाइल फोन का कैलकुलेटर, यू विल स्पॉइल द हैबिट। 12th स्टैंडर्ड तक आपको कैलकुलेटर्स नहीं है, डिग्री कॉलेज से आएगा या सीए फाउंडेशन से आएगा कैलकुलेटर्स, यहाँ पर नहीं है अभी, सो मैन्युअली करो जितना होता है, वरना स्पॉइल हो जाएगी हैबिट, एग्जाम में कभी टैली नहीं होगा क्वेश्चन। तो बीइंग opening entry past, being opening entry past for assets and liabilities, opening entry past for assets and liabilities, okay? So we can simply write cash and bank instead of cash. Yes, you can cash in hand ke jage khali cash, cash at bank ke jage khali bank, can write that. ओके सो ये हमने शुभारंभ कर लिया, एसेट लायबिलिटी ला दिए, अब हम लोग एंट्रीज करते जाते हैं फटाफट। 1 April 2010 को क्या हो रहा है? परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट प्राइस गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट प्राइस? एमआरपी, ओके एमआरपी। ईशा जी किससे बात चालू है, पे अटेंशन, ओके। लिस्ट प्राइस मतलब ग्रॉस प्राइस, एमआरपी। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर कवारे, जीएसटी इज 12%। तो पहले आपको क्या करना है, उस पर जीएसटी ऐड करना है कि डिस्काउंट माइनस करना है? क्या डिस्काउंट माइनस करेंगे? पहले क्या करोगे बताओ? डिस्काउंट डिस्काउंट माइनस, टीडी माइनस करोगे कि जीएसटी ऐड करोगे? ऑब्वियसली पहले टीडी माइनस करोगे, ओके। जीएसटी विल बी ऑलवेज ऑन द बिल अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट, तो ग्रॉस अमाउंट पे कभी जीएसटी नहीं लगता, एक्चुअल प्राइस जो परचेज का उस पे लगता है। तो आपका 30,000 का गुड्स है, तो 30,000 पे पहले आई विल सब्ट्रैक्ट टीडी एट द रेट ऑफ 10%, दैट कम्स टू 3,000। ये प्राइस कम होके बिल बन गया, बिल कितने का बना? 27,000, राइट? 27। आप कभी जाओ दुकान में, आपको दुकानदार बोलेगा कि ये आइटम कितने का है, आपको उसने बोला 500 का, बोलोगे 400 में दे दो, बोला ठीक है, तो आपका जो बिल बनेगा वो 400 रुपए का, तो जीएसटी भी 400 रुपए पे लगने वाला है, 500 पे नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? तो एक्चुअल जो बिल बनता है, इनवॉइस बनता है, उसी पे जीएसटी लगेगा। इस पे मैं ऐड कर देता हूँ, एड इनपुट सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% प्लस इनपुट एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। So how much it comes to? 1620. And what is the total? 30,240. Is that correct? 30,240. And what should be your journal entry for this now? What should be the journal entry? It should be purchases account debit. Purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to what? Credit पे है कि cash पे है? Credit पे है, party का नाम आ जाएगा तो तू Mr. Kaware account। अच्छा purchase में कौन सा amount आएगा?
27,000 ओके ऊपर वाला माला उड़ा देने का ग्रॉस प्राइस टीडीज नेवर एंटर्ड एनीवेयर इन द बुक्स इमेजिनरी प्राइस रिडक्शन का डिस्काउंट है वो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 1620 एंड टू मिस्टर कवारे 1240 ओके बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर कवारे एट 12% GST. Okay. Comfortable? Next one. 3rd April 2010. Received 8,800 cash from Mr. Dilip in full settlement of his account, full and final settlement of his. ये दिलीप कहाँ से टपक गया? Previous debtor. Where? How do you know he is our debtor? How do you know? Balance में दिया हुआ है. Okay, opening balance में दिया हुआ है. Look at it properly. अगर ऐसे ही बीच में कोई transaction आ जाए तो panic नहीं होना है. कहीं ना कहीं ऊपर information दिया होगा आपको. Okay, हवा में से कोई कूद के बीच में नहीं आ जाएगा आपके transaction. तो दिलीप से कितना लेना था आपको? 9,000 कितना दिया 8,800 सो बाकी का 200 क्या हो गया आपका डिस्काउंट अलाउड एंट्री क्या बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दिलीप अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दिलीप अकाउंट इज दैट क्लियर सो नॉर्मल जर्नल एंट्री जो हम करते हैं खाली अमाउंट हमको ऊपर से मिलना है यहाँ पे तो ऊपर चेक कर लेना आप लोग कि डिस्काउंट दिलीप दिया है कि नहीं दिया तो यहाँ पे दिया था तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दिलीप कैश में आएगा आई थिंक 8,800 डिस्काउंट अलाउड 200 टू दिलीप 9,000 बीइंग अकाउंट सेटल्ड विथ दिलीप अकाउंट सेटल्ड विथ दिलीप Is that clear? Account settled with Dilip. Or any doubts? Comfortable? Next one. Abhi Dilip is no more our debtor, right? Cash aa gaya. Dilip is the giver. Credit the giver. Story over. So Dilip is no more our debtor. Next one. Rent paid to landlord. Rent paid to landlord. What should be the entry for this? Rent paid to landlord. Rent account debit to cash account. Landlord ka naam aayega kahin pe bhi? No. Kabhi nahi. Kabhi nahi. Okay. Because rent is our expense. The reason behind payment is expense. So rent, debit all expense and loss and cash credit what goes out. Rent to cash 5,000 rupees is the amount. 5,000 debit, 5,000 credit being rent paid. Being rent paid. 5th of April ko ho raha hai ye. Next transaction on 7th of April. Sold goods to Mr. Eknath on credit. Simple entry, simple transaction. Kya hoga? Sold goods to Mr. Eknath account debit to sales account. Eknath account debit to sales account. Debit the receiver, credit the income. Yeah, fair. Debtor badha to debit, income badha to credit. That's 15,000. Eknath account debit to sales account, 15,000 being goods sold to Eknath. Being goods sold to Eknath. Okay. 9th April. Goods costing 250 distributed as free samples. Goods costing 250 has been distributed as free samples. What should be the journal entry for? Advertisement account debit to free samples. Na. Cash nahi. Kya de rahe ho? Advertisement account. Goods distributed as free samples. Goods de rahe ho. Cash kab aayega? When you actually make the payment for the expense आपने ब्रोशर्स करवाया कैटलॉग प्रिंट करवाया आपने प्लकार्ड लगाया होर्डिंग लगाया स्टैंडीज का स्टैंडीज खरीदा
या नियॉन साइंस खरीदा, नियॉन साइन बोर्ड खरीदा, ये सब का एंट्री विल बी एडवर्टाइजमेंट टू कैश. यहाँ पे तो आप सैंपल मतलब गुड्स दे रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. गुड्स आर गोइंग आउट, सो क्रेडिट वॉट गोज आउट. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट. Goods distributed as free samples account, that comes to 250 rupees. Okay, being goods distributed as free sample. What if the free samples are received? क्या entry होगा उसका? No entry. Receive free samples and then there is no entry for that. Okay. कंजर्वेटिज्म, फ्री में कुछ आता है नो एंट्री, उसको जब बेचोगे ऑटोमेटिकली इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी. सो यू वोंट थ्योरी नो लाइक ऑल द कॉन्सेप्ट्स टुमारो? नो थ्योरी, ओनली जर्नल टू क्वेश्चंस, जर्नल एंट्रीज, प्योर जर्नल. नो थ्योरी, नो टेबल, नो क्लासिफिकेशन, रियल पर्सनल नॉमिनल, नथिंग. योर चॉइस, यू अप्लाई मॉडर्न कॉन्सेप्ट, you apply traditional concept, you can apply both, your wish. Okay, goal is to arrive at the transaction, the amount should be proper, narration should be there, full form should be there, everything should be in full form, there is no short form allowed. Okay, bank ka BK, tumhara advertisement ka ADVT, aisa kuch short forms nahi chalega. See to it you write full forms for every account name and everything. And calculations after the sum or within the sum, kidhar bhi calculations dikhana hai. 12th one, cash withdrawn by proprietor private purpose. What should be the entry? Cash withdrawn. Drawings account debit. Private purpose as a drawings account debit to what? To cash. Why not bank? Hyderabad check kiya to diya hi nahi. Bank bhi ho sakta hai na? इसका मतलब क्या है कि पैसा बिजनेस से जा रहा है, गांधी बापू को लेके गया, कैश लेके गया, ठीक है. इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 5,000 rupees. Being cash withdrawn for personal use. Being cash withdrawn for personal use. That was 12th one. 15th one. Mr. Eknath pays 14,250 rupees after getting 5% discount for prompt payment. Mr. Eknath is paying 14,250 after getting 5% discount for prompt. Is this amount before discount or after discount? After discount. Yaad hai, humne pehle bhi kiya hua tha before after discount. How to arrive at the amount before discount? There were two methods. Reverse method. Yeah. You form that and equation. Based on previous transaction. It will come to 15,000. You can do it orally also. Shortcut bhi tha ek. Shortcut kya tha, yaad hai? Par diya tha. Sir, we have to hire... Subtract the debtors and the debit and credits. Haan, wo bhi dekh sakte. Idhar teesra hint bhi hai. Upar Eknath ka amount bhi diya hua. Cash account debit 14,250. Discount account debit 750. To Mr. Eknath account 15,000. Perfect. With this, there are three ways you can do. Number one, Eknath ka amount dekh lo upar. Kitna ka sale hua Eknath ka? Check karo, 15,000 ka. Aur 15,000 ke jagah 14,250 aa raha hai, to 750 is discount. Waise hi pata chal gaya. Second way, nearest round figure on the higher side. Shortcut, yaad hai? 14,250 ka nearest round figure kya hoga? 14,500. Aur 14,500 ke baad 15,000. To 14,500 mein kuch aa raha hai aapko? नहीं सर, 5% नहीं बैठ रहा है. तो 15,000 में बिठा के देखो, 15,000 का 5% कितना होता है? व्हाट इज 15,000 का 5%? 750. बैठ गया, आंसर आ गया. या फिर ये भी नहीं जम रहा है, आराम से इक्वेशन है, अमाउंट बिफोर सीडी माइनस सीडी इक्वल्स अमाउंट आफ्टर सीडी. ओके,
तो 100 माइनस 5 95 95 के नीचे लिख दो 14250 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई. तो इसका कैलकुलेशन बताना है? नहीं, इसका डायरेक्टली कर सकते हो, इसका दिखाने की जरूरत नहीं है. ओके, तो ओरली भी कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड है. ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल? वो 750 का डिस्काउंट समझा सबको, 14250 वाज आफ्टर डिस्काउंट. तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, वी आर रिसीविंग कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एकनाथ अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एकनाथ अकाउंट, 14250, 750 एंड 15,000 being Eknath's account settled, being Eknath's account settled, okay, being Eknath's account settled. Comfortable? All of you got that? So paid and received amount are always after discount, keep that in mind. Paid and received amounts are always after discount. 20th one, interest on bank loan rupees 1000 debited to the current account of the proprietor. Interest on bank loan debited to the current account of the proprietor. पहले तो जरा दिमाग पे जोर डालो, use your brains and tell me, अपने business के लिए interest on bank loan क्या है? Expense. Is it an expense, expense or an income? Expense. Expense. Could it be interest on bank loan account debit to bank account? Correct. But interest on bank loan is our expense or income? Expense. तो debit ही करना चाहिए, debit all expense and loss. Agree all of you? अच्छा तो उधर ऐसा क्यों दिया है? It was debited to the current account of the proprietor. Our current account it was debited. हाँ, our account by अभी, bank. अभी शुरू हुआ bank. अभी अभी तो bank का point of view से दिया. हाँ, bank का point of view से सोचने का यहाँ पे. Bank ने debit किया है. आप लोग debit मत करना bank को. स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्वेश्चन में बैंक डेबिट दिया था, तो एंट्री क्या हो जाती है? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कल्याणम. ओके, पहुंच गए डोंबिवली. ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको. क्या ध्यान रखने का? कि एक्सपेंस है या इनकम? लुक एट द ट्रांजैक्शन. व्हाट हैपेंड ईशा? काम कर. नाउ रिमेंबर दिस, whenever you have bank, whenever you have any transaction, just look at the transaction pehle, whether there is an expense or an income, or whether there is a purchase or a sale. Uske hisab se entry frame karo. Bank debit credit kar raha hai, wo mat dekho, wo secondary int hai tumhara. Are you getting that? Bank debit kar raha hai to hum credit hi karenge, bank credit kar raha hai to hum debit hi karenge, wo secondary int hai. Pehle to transaction socho. Interest on bank loan kya expense hai? Expense debit hi hona chahiye, bank credit hi hona chahiye. Simple. अब बैंक ने डेबिट किया है, वो सेकेंड इंट है, तो हमें क्रेडिट ही करना है. सबको बात समझ आई? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? सो योर एंट्री विल बिकम व्हाट? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट. क्या चालू है सर? ओनली इंटरेस्ट इज अलाउड. हाँ सॉरी, फिर इट ओनली इंटरेस्ट इज इट ओके? हाँ ओनली इंटरेस्ट भी चलेगा. यस, only interest is also fine. Proprietor का मतलब क्या रहता है? Proprietor. Proprietor मतलब owner, businessman. Businessman का current account है ना bank में, उसको काट दिया, पैसा काट लिया. तो to bank account. Basically you are paying it via bank. और कितना है amount इसमें? 1000 rupees. So वो debited to current account का logic clear है आपको? Confusion? Anyone? Okay. So this is being interest paid. Yeah, being interest on bank loan paid. Being interest paid. Yeah, interest on bank loan pura elaborate karke likha to better hai, because again your college is Podar, NM, Mithibai, they expect you to write full. Interest on investment, interest on bank loan, interest on debentures, whatever is given in the question. Even HR also requires that. So interest jahan pe pura dikhe, pura naam elaborate karke likhna. 23rd one, paid rupees 7900 to Hema in full settlement of her. ये Hema कहाँ से टपक पड़ी अभी? Opening creditor balance. Opening balance में creditor है वो हमारी. कितना पैसा देना था Hema को पड़ो ऊपर? 8000.
8000 देना था, राइट? 8000 देना था और दिया कितना? 7900. तो फिर क्या हो गया? 100 rupees डिस्काउंट हो गया. एंट्री क्या बनेगा आपका? Hema account debit to cash account to discount received account. Yes, Hema account debit to cash account to discount received account. Discount received is our income. Okay, Hema account debit to cash to discount received. Hema account debit shall be 9000 to cash 8900 to discount received 100. Being Hema. No sir, 8000 and 7900. Hema. हेमा को देना था 8000, दिया 7900, 100 is discount. Being Hema's account settled. Being Hema's account settled. अच्छा, ये भी ध्यान रखना आपको टेस्ट के लिए. एंट्री में अमाउंट रॉन्ग है तो भी पूरा एंट्री रॉन्ग है. अकाउंट रॉन्ग है तो भी पूरा एंट्री रॉन्ग है. डेबिट रॉन्ग, क्रेडिट रॉन्ग तो भी पूरा एंट्री रॉन्ग. ओके, तो कभी कभी कोई स्टूडेंट आके बोलते हैं सर स्टेप्स का मार्क्स, ये स्टेप्स नहीं है. ओके, इधर कुछ भी एक कंपोनेंट रॉन्ग हो गया आपका, आपका डेबिट का अकाउंट रॉन्ग है या आपका क्रेडिट का अकाउंट रॉन्ग है, आपका कोई भी अमाउंट रॉन्ग है, अमाउंट लिखना भूल गए, अमाउंट में जीरो डालना भूल गए, एक भी मिस्टेक है, फुल एंट्री जीरो. इज दिस क्लियर? आधा अधूरा मार्क्स नहीं मिलेगा एंट्री का, याद रखना. ओके, एंट्री पूरा परफेक्ट होना चाहिए, दोनों डेबिट क्रेडिट अमाउंट और विद नरेशंस. तो यहाँ पे स्टेप्स का मार्क्स नहीं मिलेगा. देन कैश परचेजेस एट लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड 500, जीएसटी 500. बताओ मुझे पहले क्या करोगे, टीडी करोगे कि जीएसटी करोगे? टीडी. पहले हमेशा टीडी, टीडी सबट्रैक्ट करना है, बिल अमाउंट ढूंढना है, फिर जीएसटी पे जाना है. सो 10,000 रुपीज पहले ग्रॉस अमाउंट पे आई सबट्रैक्ट टीडी, 500 रुपया टीडी दिया हुआ है तो आई अराइव एट योर नेट अमाउंट विच इज 9500. ऑन दिस आई विल टेक जीएसटी एज इनपुट सीजीएसटी, आई विल एड 14%, नहीं कितना है, सॉरी 2.5% इनपुट सीजीएसटी, 2.5% इनपुट एसजीएसटी, 2.5. जब भी ये 5% होता है ना, आपके पास एक शॉर्टकट है कैलकुलेशन का, आप सीधा 5% करो और फिर डिवाइड बाय 2 कर दो तो इजी पड़ेगा. 9500 का 5% कितना होता है? 475 का डिवाइड बाय 2 करो 237.5. इसको डेसिमल में भी रख सकते हो, राउंड ऑफ भी कर सकते हो, तो 238 237 ऐसा करो, या 238 238 दोनों को सेम रखो, एक रुपया ऊपर नीचे, या 0.5 0.5. ओके, एब्सोल्युटली फाइन. सो फाइनल आंसर आपका मिलेगा 9,500 minus 475 is 9,000 9,000 25 I think oh sorry you have to add sorry 9975 9975 9975. ऐड करना है जीएसटी आपको परचेज अमाउंट पे. कैश परचेजेस है, सो हिंट ही है वहां पे, यू हैव परचेज गुड्स फॉर कैश, राइट? सो व्हाट शुड बी योर जर्नल एंट्री फॉर दिस? Purchase account, debit, then what? Input, CGST account debit, input, SGST account debit, ये आपका tax, asset, advance payment, debit हो गया in the form of asset, to what? Cash or bank or party, what it should be? Cash. To cash. To cash account, cash purchases are simply. Can you think and tell me the amount you are supposed to write in purchases? 9,500. Exactly, 9,500 after TD. TD कभी record नहीं होगा. GST will be 238, 237, and your cash component will be 9975. Being goods purchased for cash. So we can't round off both the CGST, both the GSTs. Round off तो किया है ना दोनों को. मतलब both 238. हाँ, yes, 238. दोनों 238 भी कर सकते हैं. Generally क्यों नहीं करते? क्योंकि total 5% है ना.
इसके लिए तो उसके अंदर ही हो जाए राउंड ऑफ तो बेटर है, बाकी दोनों 237 दोनों 238 भी चलेगा, 1 रुपी 2 रुपी राउंड ऑफ का इट्स फाइन, ओके। या पॉइंट में भी रखो या एक राउंड ऑफ करो, एक ज्यादा कम करो, 1 रुपए का टेंशन मत लो ऊपर नीचे का, वो भी चलता है। क्लियर? देन 28th, परचेज मारुति वैन फॉर बिजनेस 1,75,000, पेड द अमाउंट बाय चेक, 28% जीएसटी। तो 28th ऑफ अप्रैल को ये हो रहा है आपका। पहले तो कार है 1,75,000 की, उस पर जीएसटी कितना होगा, इनपुट सीजीएसटी कितना है, 14% लग जाएगा ना, तो 12,250 कैलकुलेट किया, बराबर से चेक कर लो, प्लीज चेक ऑल ऑफ यू। नहीं आई थिंक मिस्टेक है, 12,250 14% 28% तो इससे डबल हो जाएगा, प्लस इनपुट एसजीएसटी 14% 24,500 और टोटल आएगा आपका कितना, 48,49,000, सो 2,24,000 इतना आएगा, 2,24,000 28% का हाफ ऑफ 14 28% जीएसटी इतना लग जाता है, प्रीमियम कार्स, प्रीमियम मोबाइल्स, ओके, प्रीमियम ज्वेलरी एंड ऑल, डिजाइनर क्लोथ्स एंड ऑल, प्रीमियम आइटम्स बहुत प्रीमियम में है, हाई वैल्यू आइटम्स है, दे अट्रैक्ट 28% जीएसटी, 5-star होटल रूम्स, पॉश लग्जरी रेस्टोरेंट्स, डिनर्स एंड ऑल। सो 28% जीएसटी लग गया, एंट्री क्या बनेगी आपकी इसकी, व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री, मोटर का मारुति तो यार वो है कंपनी का नाम है, वैन अकाउंट, वैन चलेगा, मोटर वैन चलेगा, मोटर वैन या मोटर कार या व्हीकल अकाउंट भी चलेगा, ओके, व्हीकल अकाउंट इज ऑल्सो फाइन, मोटर कार इज ऑल्सो फाइन, मोटर वैन इज ऑल्सो, don't write Hyundai Sonata account, don't write Hyundai Santro account, don't write Suzuki Alto account, okay, don't use the names of companies for cars, motor car, motor van, delivery van, vehicle, okay, these are the accounts you can use. So motor car account debit, input CGST, purchase kiya na humne, yes, so input CGST account debit, input SGST account debit to what? Bank or bank cash? Account. Bank account. आपने चेक से पेमेंट किया है, राइट? सो क्या होगा आपका अमाउंट, 9,000 कार में कितना अमाउंट आएगा बता सकते हैं? 1,75,000 या कार में आएगा उसका बिल वैल्यू, आपका कार का कॉस्ट है 1,75,000, आपका एसेट है 175 का, लेकिन उस पर आपने टैक्स पे किया हुआ है, यस, 1,75,000 24,500 24,500 व्हाट्स द टोटल अमाउंट, 2,25,800 2,24,000 है भाई, 2,24,000 इज व्हाट यू आर पेइंग टुगेदर, ओके, विद जीएसटी बीइंग कार परचेस्ड एंड at 28% GST. Okay. Last one. Commission paid by check. Very simple. What should be the entry? Commission paid by check. Commission account to bank account. Commission account debit. Debit all expenses and losses to bank account. Because you are making the payment by check. So commission account debit to bank account. Amount is 7,000 rupees. Being commission paid by check, yeah, commission paid. Being commission paid by check, yeah, commission paid. Is that clear? Jainam, you have logged in from two separate accounts, Jainam?
जैनम शाह, हेलो जैनम किधर गया? जैनम शाह आर यू देयर? डोल अकाउंट से लॉग इन किया है जैनम ने. ओके ओके चलो हो गया ये क्लियर है. टोटल अगर टाइम है लास्ट में तो टोटल करना, टोटल के पहले पागल होके जैसे भागना मत. आपका प्रॉब्लम में एक एंट्री में एक जगह मिस्टेक है, टोटल का सेंस ही नहीं बनता है. टोटल किस लिए जरूरी है? आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, सब कुछ राइट है विदाउट एनी मिस्टेक, फिर भी टाइम है तो टोटल करो. फुल मार्क्स के लिए ये प्रेजेंटेशन का हिस्सा है. फुल पेपर में आपको फुल मार्क्स मिलता होता है तब ये टोटलिंग, डेबिट क्रेडिट, ऊपर का हेडिंग्स कॉलम्स, ओके, ये हैंडराइटिंग कैंसिलेशंस, ये सब चेक होता है मॉडरेशन लेवल पे. सर इफ टोटल इज रॉन्ग देन? टोटल इज रॉन्ग देन हाफ मार्क्स जाएगा आपका. टोटल राइट है तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, रॉन्ग है तो आधा मार्क काट जाए कट जाएगा, तो रिस्क मत लेना. दो तीन बार पेपर खत्म होने के बाद रीचेक इट अगेन टू टाइम्स थ्री टाइम्स. ओके, गो थ्रू ऑल द एंट्री. और रीचेक कैसे करने का? ऑब्जेक्टिवली. ओके, बायस्ड वे से मत करना, अनबायस्ड वे से. वापस रीचेक देख रहे हो तुम लोग क्वेश्चन, खुद टीचर बन के चेक कर रहे हो, ऐसा चेक करना तो मिस्टेक्स मिलेंगे. तो रीचेक इट ट्वाइस एंड देन इफ यू हैव टाइम टोटल अप. ओके द जर्नल. चलो 19th सम पे आ जाओ, सम नंबर 19 पे. पेपर परफेक्ट होना चाहिए, एंट्रीज अमाउंट करेक्ट होना चाहिए, दैट शुड बी द टारगेट. इसका टोटल 9,975 आता है ना? आई डोंट नो, कैन ट्राई इट. टोटल आराम से बैठ के घर पे कर लो. 19th सम पे आ जाओ. आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस 19th सम ऑन योर ओन. कम ऑन प्लीज ट्राई 19th प्रॉब्लम ऑन योर ओन. कम ऑन ऑल ऑफ यू. Sum number 19. And दो क्वेश्चन होंगे जर्नल के. बोथ द क्वेश्चन शुड स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज. हाँ, ऐसा नहीं कि आधे अधूरे में खत्म हुआ तो वहीं से दूसरा कंटिन्यू कर दिया. नया क्वेश्चन, न्यू साइड, सिंपल. ओके, अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे सब अलग अलग साइड पे करना है स्टार्ट. अगर नो एंट्री है तो नो एंट्री का नोट चाहिए, एक्सप्लेनेटरी जो दिया हुआ है हमने किया. सर इसमें नरेशन लिखना है ना? हाँ, नरेशन शॉर्ट में लिख दो, या एक काम करो नरेशन मत लिखो चलेगा. चलो इसमें नरेशन मत लिखो, आता है ना नरेशंस? एनी प्रॉब्लम इन नरेशन एनीवन? ओपनिंग एंट्री का बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, सिंपल. ओके, स्किप द नरेशन, जस्ट डू द एंट्रीज. चलो ये डेबिट रुपीज, ये क्रेडिट रुपीज, LF सब होना चाहिए.
एंड वन मोर थिंग, हाँ ये मिस्टेक हो जाती है, आप जितने साइड पे जर्नल बनाते हो हर एक साइड पे ये लिखना है आपको, शुरू में भी मैंने बोला था, एवरी साइड व्हेन यू कंटिन्यू द जर्नल हर एक साइड पे ये कॉलम हेड होना चाहिए, डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स दैट वी हैव टू राइट ओनली ऑन द स्टार्टिंग, नो ऑन द स्टार्टिंग इन द बुक्स ऑफ हर एक साइड पे नहीं चाहिए, खाली एक ही साइड पे, वो एक ही स्टार्टिंग के लिए, ये कॉलम हेड्स है ना, डेट सर इधर ओपनिंग एंट्री का डेट नहीं दिया है तो फर्स्ट ही रखे ना, यस ओपनिंग एंट्री इज ऑलवेज ऑन द फर्स्ट डेट, ऑलवेज ऑन द फर्स्ट डेट, फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर ओपनिंग एंट्री, सर लैंड एंड बिल्डिंग के बदले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, सर स्टॉक के लिए स्टॉक ही लिखना है ना, स्टॉक के लिए स्टॉक ही, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए क्या बोल रहे थे, सिर्फ लैंड या फिर सिर्फ बिल्डिंग, नहीं नहीं लैंड एंड बिल्डिंग, इट्स अ कॉमन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, जो दिया है वैसे ही सेम, खाली वो डेटर क्रेडिटर के लिए यू कैन राइट जीनीत यामिनी, क्रेडिटर के लिए मोहिनी नितिन, एंड कैश एट बैंक के लिए यू कैन यूज बैंक, कैश इन हैंड के लिए बैंक लोन क्रेडिटर्स में आएगा, सॉरी बैंक लोन क्रेडिटर्स में ही आएगा ना, क्रेडिटर्स में नहीं आएगा, बैंक लोन अलग है ना लायबिलिटी, वो बैंक को देना बाकी है, बैंक लोन अलग है क्रेडिटर अलग है, दोनों सेपरेट लायबिलिटीज है, फोरम यू गॉट इन एन एम हो गया, आई गॉट इन मिटी बाई, हु गॉट इन मिटी बाई फोरम, अच्छा ये फोरम, ओके फोरम वाले भी गॉट इन एन एम ना, फोरम नथा ने गॉट इन मिटी बाई, ओके वो फोरम नथा ने, व्हाट वाज योर परसेंटेज, 89, तो हाउ कम यू गॉट इन मिटी बाई, 88.88 पे चोर, अच्छा गुजराती माइनॉरिटी, हाँ हाँ ओके ओके, आई थॉट जनरल लिस्ट में, बोला जनरल लिस्ट तो बहुत ऊपर क्लोज है, 92, मोक्ष यू सिक्योर्ड इन सोमैया, हाँ सर हो गया सर एडमिशन लेटर, ओके केजे, हाँ केजे सर, ओके ओके गुड, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सिक्योर्ड द कॉलेज, पूजन ने कर लिया ना, यस पूजन का भी हो गया ना, यस यस, हाँ हाँ, तो आई थिंक किसी का बाकी नहीं है ना यहाँ पे कॉलेज अभी, एनीवन येट टू सिक्योर द कॉलेज, यस आई एम रिमेनिंग टू सिक्योर, ईशा, हाँ या ईशा तो पोदार ना, 94, आंसर मी मी, हु एल्स, कीर्तना, कीर्तना, कीर्तना यू वेटिंग फॉर पोदार राइट, हाउ मच यू हैव गॉट एग्जैक्ट, 92.8, ओके तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये टाइम शूट अप हो गया एकदम, 94.2 में पहला लिस्ट का, उसका ही किया है जनरल का बाकी है, तो 92 तक आ जाएगा पोदार, 92.5 तक आ जाएगा फाइनली, सर कैपिटल 2,89,000 आएगा, आई डोंट नो कैलकुलेट, 3,46,000, गड़बड़ है कैलकुलेट, डेबिट माइनस क्रेडिट, एसेट माइनस लायबिलिटी, सो ओनली ईशा एंड कीर्तन आर लेफ्ट आउट, रेस्ट ऑल ऑफ यू हैव कंफर्म कॉलेज, Yashvi has confirmed, Yashvi?
यशवी ने कंफर्म किया यशवी नेटवर्क घाई घाई मत करना, बराबर से टाइम बैलेंस करके करना, सिली मिस्टेक का चांस होता है, देख देख के करना हर एक एंट्री। तो आउटपुट जीएसटी सेल्स पे लगेगा ना? सेल्स पे यस, भी सेल किया तो आउटपुट जीएसटी, क्योंकि आप कलेक्ट करोगे ना तो आपका लायबिलिटी आपको गवर्नमेंट को देना बाकी है। इनपुट पे आपने एडवांस में पे कर दिया, अब आपका एसेट है, विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी। थ्री लाख 51,000 आ रहा है क्या? 346,000 is your capital. Please check this calculation, double check कर लेना हमेशा। So on 14th one, they haven't said how much cash discount, the percentage of cash discount that woman got. But do we know the upper price he has to pay to us before cash discount? Upar se, upar dekho na. Humne abhi kiya na last time, Hema upar ek tha na. Kabhi bhi agar nahi pata hai, upar dekh lene ka. Transaction mein kuch na kuch hint rahega.
some hint will be provided. सर 19th सेम में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट होगा ना? यस, बिकॉज़ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज अवर एक्सपेंस. वो डेबिटेड टू करंट अकाउंट का मतलब किसने डेबिट किया है? वो बैंक. बैंक ने किया है. बैंक डेबिट सो वी क्रेडिट. अपना पैसा गया. सर बट योर बैंक इज आल्सो द रिसीवर ना? नो नो नो, हाउ कम बैंक इज द रिसीवर? बैंक इज द गिवर. We are but paying the interest we are paying to the bank only. Not this bank, that loan wala bank we are paying. Those are two separate accounts. Ek jo apna bank hai jisme apna paisa pada hai, that's our current account. And ek jo humne loan liya hua hai. So we are removing the money from that current account and paying towards that loan. Wo paisa abhi apne ko milega hi nahi, wo to bank ko mil gaya. Uska hai, apna nahi hai. Bad debts recovery is income. Yeah? Yes, bad debts recovery is income. So when we are getting bad debt recovery, जो देता है उसका नाम नहीं आता ना cash. नहीं आता. Income है ना. When you receive an income, pay an expense, party's name ignored. Cash to income, expense to cash.
456 आ रहा है क्या ये लास्ट वाले का? हाँ सर। यस। 8512 आ रहा है? यस सर। See, check the solution. Check kar lo barabar se, what's the if you have any doubt, not get anything, ask any calculation, any amount, anything. बोलो और योर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गया सबका फिनिश्ड और योर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यू कैन ऑलवेज रेफर टू द पॉइंट्स गिवन यू बिहाइंड द जर्नल लास्ट पॉइंट्स जो दिया हुआ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करके यहाँ पे आप देख के देख सकते हो चेक कर सकते हो कुछ भी नोट्स जो मैंने दिया आपको क्लास में कैश क्रेडिट का ट्रांजेक्शन चेक का रूल्स टीडी सीडी जीएसटी सब दिया हुआ है वहां पे ओके okay? That's it. We stop at this point all for the day. Okay. So test abhi mil rahe hai. Hum log kal sham ko 6:45 to 7:45. Not supposed to remain absent for the test. Okay. Itne time mein ho gaya sabka sum speed. Acha homework sum apka ho raha tha 15-20 minutes mein 20-25 minutes homework yeah. sum. Acha. हाँ तो इतना आइडियल टाइम होना चाहिए कल आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है ठीक है प्रिपेयर करना बराबर से पेपर इज नॉट इजी पेपर इज एवरेज लेवल नॉट वेरी डिफिकल्ट बट एवरेज लेवल ओके सो 6:45 से पहले 6:30 लॉग इन कर लेना कुछ इंडिविजुअल क्वेरीज हो कुछ इंडिविजुअल डाउट्स हो तो लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप और कॉल एंड दैट्स इट Written practice is very important. Khali orally go through nahi karna hai sam se. Actually write and solve. At least 4 to 5 problems you have to write and solve. For thorough practice. To hi exam mein hoga achche se. Theek hai? That's it. Still if you have any doubts, difficulties, you let me know. You can wait. Otherwise you can leave. Tada bye bye. See you. Take care. Bye. Thank you, sir. Bye. I started with the 19th one. Then I went to the 18th one. Then Sorry, you started with? 19th, the made the opening entry and then went back to the 18th. Ay, shabash. Pura 18th solve kiya hai tumne. Haan. Aisa nahi kar. Sir. Bas karo, 19th karo. Bolo. If in any sum there is GST. Yeah. Sorry, GST? If any sum there is GST given.